हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट कंप्यूटर में। गाइस आपका स्वागत है। तो चले गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर में वायरलेस कीबोर्ड को कैसे कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद उसमें कैसे चलाते हैं। तो चले गाइस, जो सभी प्रोसेस है तो इस प्रोसेस आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चले गाइस, इस वीडियो को हमें स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से गाइस, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जाकर हमारा नया वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चले गाइस, इस वीडियो को हमें स्टार्ट कर दे। तो चले गाइस, इस हमारा पीसी है। तो चले गाइस, इस पीसी में मैं वायरलेस कीबोर्ड कनेक्ट करके आपको बता देता हूँ कि उसमें कैसे कनेक्ट करना है। तो चले गाइस, इस हमारा वायरलेस कीबोर्ड है। तो सबसे पहले गाइस, आपको वायरलेस कीबोर्ड पीसी में कनेक्ट करना है तो आपके पास उसमें जो सेल लगाना है, तो चले गाइस मैं कीबोर्ड में सेल लगा के आपको बता देता हूँ कि उसमें कैसे सेल लगाना है। तो चले गाइस, इस हमारा जो वायरलेस कीबोर्ड है तो इस कीबोर्ड में सबसे पहले गाइस आपको उसमें सेल लगाना है। तो चले गाइस, मैं सेल लगा के आपको बता देता हूँ। तो चले गाइस, एक हमारा पास सेल है, उसको आपको जो पावर कहते हैं, तो इस पावर गाइस आपको कीबोर्ड में लगा देना है। तो चले गाइस, मैं लगा के आपको बता देता हूँ कि उस इस तरह आपको जो सेल आता है तो इस सेल गाइस आपको कीबोर्ड में लगा देना है। और लगाने के बाद चले गाइस, मैं पीसी से कनेक्ट करके आपको बता देता हूँ। तो चले गाइस, इस हमारा जो कीबोर्ड है तो इस कीबोर्ड में चले गाइस, अभी तक हमारा कोई उसमें लाइट नहीं है। तो चले गाइस, मैं नंबर लॉक की क्लिक करके आपको बता देता हूँ, तो उसमें हमारा कोई लाइट ऑन नहीं है। तो सबसे पहले गाइस, आपको जो पीसी से वायरलेस कीबोर्ड कनेक्ट करना है तो आपको आपके पास इस तरह यूएसबी वायरलेस होना चाहिए, तो भी आप पीसी से कनेक्ट कर सकते हो। तो चले गाइस, इस हमारा जो वायरलेस यूएसबी है, तो सबसे पहले गाइस आपको जिस पीसी से कनेक्ट करना है तो इस पीसी में आपको सीपीयू में लगा देना है। तो चले गाइस, मैं सीपीयू में लगा के आपको बता देता हूँ। तो चले गाइस, हमारे पास जो यूएसबी वायरलेस है तो इस वायरलेस सबसे पहले गाइस आपको सीपीयू में लगा देना है। तो चले गाइस, मैं सीपीयू में लगा देता हूँ। तो गाइस, आपको इस तरह सीपीयू में लगा देना है और लगाने के बाद आपको कनेक्ट कर सकते हो। तो चले गाइस, मैंने सीपीयू में लगा दिया है यूएसबी वायरलेस और हमारा जो कीबोर्ड है तो इस कीबोर्ड गाइस हमारा पीसी से कनेक्ट हो गया है। तो चले गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। तो चले गाइस, इस हमारा जो वायरलेस कीबोर्ड है तो इस कीबोर्ड का जो नंबर लॉक लाइट है, तो चले गाइस, मैंने ऑन कर देता हूँ तो उसमें हमारा लाइट आ गया है। तो चले गाइस, एक हमारा दूसरा लाइट है कैप्स लॉक, तो चले गाइस, मैं कैप्स लॉक को ऑन कर देता हूँ। तो चले गाइस, हमारा जो कीबोर्ड है तो इस कीबोर्ड में हमारा दूसरा लाइट भी ऑन हो गया है और हमारा सही से पीसी से कनेक्ट हो गया है। तो गाइस, इस तरह आप कनेक्ट कर सकते हो। चले गए, इसमें कीबोर्ड से स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ तो हमारा पीसी में स्टार्ट बटन पे क्लिक हो गया है। तो चले गए, इसमें नोटपैड को ओपन कर देता हूँ और उसमें टाइप करके आपको बता देता हूँ कि हमने कीबोर्ड से कनेक्ट किया है, वही हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चले गए, इसमें वायरलेस कीबोर्ड से नोटपैड ओपन किया और चले गए, इसमें अल्टर से स्पेस को मैक्सिमाइज कर देता हूँ और मैक्सिमाइज मैंने नोटपैड किया तो चले गए, उसमें मैं टाइप कर देता हूँ। तो अभी देख सकते हैं कि हमारा कीबोर्ड से टाइप हो रहा है। तो चले गए, हमारा सही से पीसी में काम कर रहा है। तो गाइस, इस तरह आपको यूएसबी कीबोर्ड है तो इस कीबोर्ड आपको जो वायरलेस कीबोर्ड है तो इस वायरलेस कीबोर्ड आपको पीसी से कनेक्ट करना है। तो गाइस, आपको आसान तरीके उसमें इस तरह कनेक्ट कर सकते हो। तो चले गए, हमारा जो सीपीयू है तो इस सीपीयू में गाइस, मैंने जो यूएसबी वायरलेस लगाया था, तो चले गए, इसमें हटा के आपको बता देता हूँ कि आपको जो यूएसबी वायरलेस से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चले गए, हमारा जो एमएस वर्ड हमने ओपन किया तो हमारा एमएस वर्ड भी ओपन हो गए। तो इस तरह आप भी वायरलेस कीबोर्ड से काम कर सकते हो। तो चले गए, हमारा जो सीपीयू में हमने जो यूएसबी वायरलेस लगाया था तो गाइस, मैंने हटा दिया है और हटाने के बाद चले गए, इसमें स्टार्ट बटन पे कीबोर्ड से क्लिक करता हूँ तो उसमें हमारा कोई स्टार्ट बटन ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि गाइस, मैंने यूएसबी वायरलेस हटा दिया है। तो गाइस, इस तरह आप भी वायरलेस कीबोर्ड है तो इस कीबोर्ड आपको पीसी से कनेक्ट करना है तो इस तरह आप भी कनेक्ट कर सकते हो। तो चले गए, आज की वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।